नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लेकर आया है इंडियन कोस्ट गार्ड में यानी कि ही भारतीय तटरक्षक दल में निकली हुई भर्ती के बारे में। भारतीय तटरक्षक दल में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में हो रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है हो रही है जो कि जनरल ड्यूटी और पायलट एंट्री के पोस्ट के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर एग्जैक्ट वैकेंसीज नहीं कही गई है। प्रति माह आपको यहाँ पर वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 56,000 से 2,05,400 तक हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वेतन मिल रहा है। पर आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर इस आर्टिकल जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है उसे रीड कर सकते हो और इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्या हमें जानकारी मिल रही है देखने के लिए। तो जनरल ड्यूटी पायलट एंट्री की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस है। प्रतिमा आपको वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा और स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। पर उसके पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है वो अब देख लेते हैं। एज लिमिट 20 से 24 साल आपका एज लिमिट होना जरूरी है यानी 20 से अधिकतम 24 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर उनका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स यानी 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पैनल के द्वारा जो इंटरव्यू ली जाएगी उससे होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन 2 होंगे आपके प्री और मेंस। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर नहीं भरनी है पर यदि कोई छोटी मोटी प्रोसेसिंग फी भरनी है तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसे विस्तार में देख लेंगे। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए क्या है जैसे हमने कहा वो अब हम देख लेते हैं। 18 नवंबर 2018 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और 18 नवंबर 2018 से आप 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 30 नवंबर के बाद किसी भी उम्मीदवार का एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा ये आप जान लीजिएगा। तो आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम है, 30 नवंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। अब हम बढ़ते हैं PDF की ओर। इस PDF की लिंक हमने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है उसके बॉटम में आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक ऐसा हमने आपको हाईलाइट करके दिया है, एडवर्टाइजमेंट लिंक नाम लिखा है उसके आगे क्लिक करके लिंक है, उस पर आप क्लिक कर इस आर्टिकल को लोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी और बड़े विस्तार में मिल जाएगी। इंग्लिश में जानकारी बताई गई है। वुमेन कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन आपको फिल करना है तो जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है तो भारत भर से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, 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 JG, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल की वैकेंसी है। वेतन श्रेणी बहुत अच्छी है, यहाँ पर लगभग 50,000 से 1,00,000-2,00,000 तक यहाँ पर वेतन है और पोस्ट वाइज वेतन चेंज हो रहा है। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरनी है नहीं उसके बारे में जानकारी देखेंगे, पर उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर बेनिफिट्स भी है और उसके बारे में भी यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी बताई गई है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं से 12वीं पास है। डिग्री पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं पर वो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज हो रहा है तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या है वो आप बड़े विस्तार में देख सकते हो। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है कि किस एड्रेस पे आपको आपका जो एप्लीकेशन है भेजना है। यदि आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो या आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, आपसे ऑनलाइन अच्छी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।